नमस्कार दोस्तों, टेक इलेक्ट्रिकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि जब हम डीजी स्टार्ट करते हैं उस समय में हम कैपेसिटर बैंक क्लोज क्यों करते हैं, तो उसका मेनली तीन तीन रीज़न है। अल्टरनेटिंग डिज़ाइन पॉइंट एट पावर फैक्टर को मेंटेन रहता है, पावर इंक्रीज करते हैं तो लोड भी इंक्रीज होता है, और तीसरा रीज़न है अननेसेसरी लोड विल बी इंक्रीजेस। सो डीजी हमारा 1500 KVA का है एट 0.8 पावर फैक्टर, तो KVA इज इक्वल टू KW अपन पावर फैक्टर फार्मूला रहता है, तो 1500 इज इक्वल टू KW अपन 0.8, तो KW हमको 1200 KW मिला। जब हम कैपेसिटर बैंक कनेक्ट करते हैं तो पावर फैक्टर यूनिटी मीन्स वन पावर फैक्टर रहता है, तो KVA इज इक्वल टू KW अपन पावर फैक्टर। सो 1500 इज इक्वल टू KW अपन वन, तो हमको KW मिलता है 1500 KW। उस समय में क्या होता है दोस्तों, जो अपना डीजी है तो वो भी 1500 KW KVA का है, और हमारा KW जा रहा है 1500। उस समय में क्या रहता है, तो अल्टरनेटिंग वाइंडिंग है, हीट होगी, और उसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, जो वाइंडिंग है जलने की ज़्यादा, वो जलने की ज़्यादा गुंजाइश रहती है। इसकी वजह से हम वो पावर फैक्टर कैपेसिटर बैंक क्लोज करते हैं। दूसरा रीज़न है, पावर इंक्रीज होता है तो वोल्टेज भी इंक्रीज होता है। पावर इज इक्वल टू VI cos φ, तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos φ। सो DG वोल्टेज मेंटेन करने के लिए AVR यूज़ करते हैं, मीन्स ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। सो पावर इंक्रीजेस, पावर इंक्रीज वोल्टेज इंक्रीजेस, AVR लोड इंक्रीजेस। सो